मार्वल स्टूडियो की फिल्म ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये ट्रेलर मार्वल यूनिवर्स के फैंस के लिए काफी खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चैडविक बोसमैन, जिन्होंने 2018 में आई ब्लैक पैंथर में ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था, उनकी डेथ के बाद से ही फैंस इस फिल्म को लेकर काफी इमोशनल है। साल 2018 में मार्वल स्टूडियो ने ब्लैक पैंथर पर पहली फिल्म रिलीज की थी। इसके बाद वह एवेंजर एंडगेम में भी नजर आए थे। हालांकि साल 2020 में चैडविक की कैंसर की वजह से मौत हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि चैडविक बोसमैन ने ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर से फैंस के दिल में खास जगह बनाई थी। यही वजह है कि उनके जाने के बाद ब्लैक पैंथर के फैंस काफी दुखी हैं। 2 मिनट 10 सेकंड का ये ट्रेलर और इससे पहले आई टीजर में वाकांडा फॉरएवर की कहानी की झलक मिलती है। फिल्म में तुचाला की गैर हाजिरी में वाकांडा में अशांति फैली हुई है। दुनिया के इस सबसे संपन्न इलाके में अलग तरह का स्ट्रगल चल रहा है। वाकांडा फॉरएवर में तेनोचा हुएर्ता विलेन के रोल में है, जिनके कैरेक्टर का नाम नेमोर है। हर साइंटिफिक फिक्शन फिल्म की तरह इस बार भी विलेन को खतरनाक और शक्तिशाली दिखाया गया है। ट्रेलर में एक डायलॉग है कि जिनका दिल टूटा होता है वही सबसे अच्छे लीडर साबित होते हैं। इस डायलॉग के बाद अपने भाई को याद करते हुए सूरी को दिखाया गया है, जो सबसे ज्यादा टूट के बिखरते हैं वही मसीहा बन के निकलते हैं। सूरी को ब्लैक पैंथर के सूट में देखकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ये मूवी 11 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और ब्लैक पैंथर के फैंस मूवी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या आप ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर देखने जाएंगे? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही और रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।